नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद जिले के टोहाना शहर में पुलिस ने एक ऐसे स्कूल पर छापा मारा है जहां पर कोरोना के दौरान बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस ने टोहाना के एम सरस्वती स्कूल पर छापा मारकर रंगे हाथ कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस संचालक और दो अध्यापकों के खिलाफ ICP की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी थाना के SHO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूल में बच्चों को बुला करके क्लासेस लगाई जा रही है, और गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंची। स्कूल में पढ़ाई का काम चल रहा था, SHO ने बताया। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो 5 छात्र पढ़ाई करते मिले। वे किसी इंस्टीट्यूशन की ऐप को डाउनलोड करके डेमो देखने स्कूल पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच में स्कूल ओपन करके स्कूल संचालक से लेकर के स्कूल टीचर तक ये सवाल खड़े होना लाजमी था कि आखिर इनको कैसे बुलाया गया, किसी इंस्टीट्यूशन की ऐप स्कूल में डेमो दिखाने के लिए छात्रों को कैसे बुलाया जा सकता है। खुद पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है कि सूचना के दौरान उन्हें खुद भी नहीं पता था कि स्कूल में कितने छात्र मौजूद हैं। एक वीडियो सामने आया था और उसी के दौरान ये कार्रवाई की गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ स्टूडेंट्स किताबें हाथ में लेकर बैठे दिखे। जब उनके किताबें हाथ में थी तो फिर वो ऐप कहां से डाउनलोड कर रहे थे। अब इस बात का जवाब शायद पुलिस ना तो स्कूल संचालक से पूछ पाई और ना ही स्कूल के अध्यापकों से। ऐसे में पुलिस कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि SHO की बातचीत और बयान काफ़ी घुमावदार समझ आ रहे हैं। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। बाहरा रोड पे KM सरस्वती स्कूल करके एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बारे में हमें सूचना मिली थी कि उस स्कूल के टीचर्स हैं कुछ एक बच्चों को स्कूल में बुला के और वहाँ पे जो है लॉकडाउन की उल्लंघना कर रहे हैं, तो उस सूचना पे जो है पुलिस द्वारा आ जाकर स्कूल को चेक किया गया, मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और स्कूल की क्लासी लेने पर वहाँ पे 5 बच्चे स्कूल में पाए गए। तो पूछताछ से बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि स्कूल में जो हमारा ऐसा वो कृष्णा इंस्टीट्यूट का ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड करने में हमें दिक्कत थी, तो हमने बात की तो इन्होंने बोला कि यहाँ हम आपको उसका डेमो करके दिखा देंगे। तो वहीं पर हमें स्कूल के 2 टीचर्स मिले हैं और स्कूल संचालक भी वहीं थे, जो कि स्कूल संचालक ने बताया कि ऊपर स्कूल के ऊपर ये मकान बनाओ जिसमें रिहायश है, तो उनके द्वारा बताया कि हमने इनको ऐप डाउनलोड करने का जो डेमो के लिए बुलाया था। लेकिन स्कूल संचालक होने के नाते जो राकेश कुमार हैं आरोपी और एक राहुल एक अमित जो टीचर्स हैं, तो उनको ये सब एजुकेटेड होते और उनको जानते हैं कि इस तरीके से लॉकडाउन की उल्लंघना नहीं की जानी चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने बच्चों को स्कूल में बुलाया, तो 11वीं के बच्चे थे और उन लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं उनकी उल्लंघना की, जिस संबंध में उनके खिलाफ की जाएगी, तो उनके खिलाफ 188 IPC 269 और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।